है डॉक्टर जेल सैनी। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट, मैथ्स पेपर सेकंड, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा उत्सिष्ट एवं निम्निष्ट के बारे में बताऊंगा। अभी तक हमने एक चर वाले फलनों के मैक्सिमा और मिनिमम निकाले थे, अब हम दो चरों वाले फलनों के उत्सिष्ट एवं निम्निष्ट यानी मैक्सिमम और मिनिमम ये निकालेंगे। माना एफ एक्स वाई दो स्वतंत्र चरों एक्स तथा वाई का फलन है जो एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी के निकट सभी मानों के लिए सतत यानी कंटिन्यूअस एवं क्या है परिमित है। तो एफ ए बी फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट मान यानी मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है जबकि एच और के सभी क्या धन यानी पॉजिटिव अथवा ऋण यानी निगेटिव मानों के लिए जो कि पर्याप्त छोटे हैं वो क्या स्मॉल हैं उनके लिए जैसे एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी है वो लेस देन क्या हो 0 हो। इसी प्रकार अगर एफ ए बी है वो फलन एफ एक्स वाई का निम्निष्ट मान यानी मिनिमम वैल्यू कहलाएगा जबकि एच और के सभी धन अथवा ऋण मानों के लिए जो कि पर्याप्त छोटे हैं के लिए एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी ग्रेटर देन क्या हो 0 हो। अगर मान लो इनका मान लेस देन 0 है तो वो कहलाएगा मैक्सिमम मान उच्चिष्ट मान और अगर इनका मान ग्रेटर देन 0 है तो वो कहलाएगा निम्निष्ट मान। यदि एफ ए बी फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान है तो ये फलन का चरम मान एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी। यानी जैसे फंक्शन एक्स वाई है उसके अंदर हम जो पॉइंट्स हैं ए और बी रखें तो क्या आ जाएगा एफ ए बी आ जाएगा। तो ये एफ ए बी जो है उस फंक्शन एफ वाई का मैक्सिमम या मिनिमम मान है तो ये उस फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी यानी उसका चरम मान कहलाएगा। फलन एफ एक्स वाई का चरम मान कौन सा एफ ए बी ये होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध निम्न है इन द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए बी टू एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई आर दैट यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी पर 0 हो या डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो उसी पॉइंट एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू बी पर क्या हो 0 हो। तो ये क्या है कि जो फंक्शन एफ एक्स वाई है ना उसका चरम मान क्या है एफ ए बी ये क्या हो इसके लिए रिक्वायर्ड जो कंडीशन है आवश्यक जो प्रतिबंध है ना वो ये है कि उनका डेल एफ अपॉन डेल एक्स उस पॉइंट पर 0 हो और डेल एफ अपॉन डेल वाई उस पॉइंट के ऊपर क्या हो 0 हो। यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तथा और ये मान लें कि यहाँ पर जैसे मान लो ये यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स है अगर इसका हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन करें तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को एस और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को अगर टी कहें कब जब एक्स इक्वल टू एयर वाई इक्वल टू क्या हो बी यानी एक्स इक्वल टू एयर वाई इक्वल टू बी पर मान लो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है उसको हमने आर कहा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को यहाँ पर एस कहा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर को यहाँ पर क्या कहा टी कहा। तो ये जो एफ एक्स वाई है उसका चरम मान एफ ए बी होने का पर्याप्त प्रतिबंध है ना वो निम्न होगा। ऊपर वाला तो कौन सा था आवश्यक प्रतिबंध और ये कौन सा है भाई सफिशियंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध। तो इसके अंदर
जो हमने ये आर एस टी जो निकाले हैं एक्स इक्वल टू ए और बी पॉइंट पर, तो इनमें आप आर टी माइनस एस स्क्वायर कीजिए अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तथा आर क्या है लेस देन जीरो। तो एफ ए बी जो है फलन एफ एक्स वाई का एक उच्चिष्ट मान होता है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी उस समय। इसी प्रकार यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो और आर ग्रेटर देन जीरो हो तो उस समय एफ ए बी जो है फलन एफ एक्स वाई का निम्निष्ट मान होता है, ये उसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो हो तो एफ ए बी का एफ ए बी फलन एफ एक्स वाई का चरम मान नहीं होगा, उस समय न तो मैक्सिमम होगा न मिनिमम होगा। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो तो स्थिति क्या होती है संदिग्ध एंड डाउटफुल है तथा और जांच की क्या है आवश्यकता है। तो ये उसके लिए क्या है पर्याप्त कंडीशन है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन तो क्या थी कि उनके जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल एफ अपॉन डेल वाई जो है उन बिंदु पे क्या होनी चाहिए जीरो, और अगर उसकी पर्याप्त कंडीशंस जो हैं उनके लिए हमने क्या है कि चार अलग अलग कंडीशंस बताई हैं। उसके बाद में एक नाम है स्तब्ध बिंदु यानी स्टेशनरी पॉइंट। एक फलन किसी बिंदु ए बी पर स्तब्ध कहलाता है यदि डेल एफ अपॉन डेल एक्स उस पॉइंट पे और डेल एफ अपॉन डेल वाई उस पॉइंट पे क्या हो जीरो हो। तो जो चरम बिंदु है उन्हीं को अपन यहाँ पर क्या है मैं स्तब्ध बिंदु है ये भी कहते हैं। अब हम किस क्वेश्चन से हम मैक्सिमा और मिनिमा है ना कैसे निकालते हैं वो ज्ञात करते हैं। तो मान लो हमें यहाँ पे एक फलन दे रखा है यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना वो हम ज्ञात करेंगे, यानी ये मैक्सिमम है या मिनिमम है और उसकी वैल्यू क्या होगी ये हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर यू इक्वल टू जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस थ्री एक्स वाई है, ये दो चरों है ना एक्स वाई का क्या है फंक्शन है फलन है, अतः हम जानते हैं कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए क्या है कि आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो और ये क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए, ये हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। तो आप जैसे यू इक्वल टू ये जो दे रखा है ना ये इससे हमने यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या निकाला थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री वाई, क्योंकि आंसर आप करते हैं तो ये प्योरली वाई जो है ना आप कॉन्स्टेंट तो इसका मान जीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई है तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स। तब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए है ना ये डेल यू अपॉन डेल एक्स भी जीरो होना चाहिए, तो आपने इसको है ना थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो कर दिया, इसको सॉल्व किया तो थ्री इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार से डेल यू अपॉन डेल वाई है इसको अगर अपन जीरो करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज थ्री इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू क्या है जीरो, ये हमारा क्या आ गया इसको तीन नंबर का। तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण दो जो तीन है ना उनसे हम क्या कि पहले एक्स और वाई का मान निकालते हैं, यानी वो पॉइंट स्तब्ध पॉइंट जो है ना वो निकालते हैं। तो उसके बाद में तो हमने यहाँ पर क्या किया जो समीकरण नंबर तीन जो है उसमें है ना हमने वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो या एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ये जो मान है वो हम समीकरण नंबर इसमें दो में रखेंगे। तो अगर हमने समीकरण नंबर दो में रखा इसमें है ना इसकी जगह थ्री थ्री जो है ना इसको तो हमने छोड़ दिया कि थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसके बाद में तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वाई की पावर फोर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इससे वाई हमने कॉमन लिया तो वाई क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वाई और फिर इसके फैक्टर किए तो क्या है वाई माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या है कि इसका मान निकालेंगे, तो अगर अगर वाई इक्वल टू जीरो है तो वाई इक्वल टू जीरो आ ही जाएगा, अगर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो है तो वाई का मान वन आ जाएगा, और यदि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो है तब सिद्धाचार्य मेथड से हमें हम क्या निकालते हैं वाई इक्वल टू से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए से अपॉन टू ए जो है ना उससे हमने ये निकाला है वाई इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट
जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, 4 × 1 1 करके अपॉन 2, तो -1 + -, तो ये 1 - 4 क्या है, -3 रूट में है, तो ये i√3 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये कौन सा आ गया, काल्पनिक मान आ गया ये, अतः इसको हम छोड़ लेंगे। तो छोड़ने बाद में हमारे पास में जो मान जो है ना y के क्या रहेगा, 0 और 1 रहेगा। अतः समीकरण 3 में जैसे y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, इसके अंदर आप ये रखेंगे ना यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर इस प्रकार से तो हमारे पास में जो पॉइंट जो है वो क्या बन गए, जैसे 0 0 और 1 1, तो ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है, स्तब्ध बिंदु है। अब समीकरण जो फर्स्ट है उसका वापिस एक्स वाई के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। तो आंशिक अवकलन करने के बाद में आप वहाँ पर del2u/dx² है इक्वल टू क्या है वो r, तो वो कितना आ गया 6x। ऐसे del2u/dx/dy करेंगे तो कितना आ गया, -3, इसको हमने s कहा। del2u/dy² इक्वल टू क्या है 6y, इसको हमने क्या कहा, t। अब हमने क्या किया कि ये कि जो कंडीशन जो है ना वो देखने के लिए आप यहाँ पर rt - s² करेंगे तो इक्वल टू कितना है वो 6x - 6y - -3² तो इक्वल टू कितना आ गया, 36xy - 9। अब वो 0 0 पॉइंट जो है उसके ऊपर आप ये निकालिए, rt - s² है ना, तो यहाँ पर क्या है कि ये तो मान 0 हो जाएगा, -9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि rt - s² है ना, -9 क्या <0 है ना। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर rt - s² का मान अगर 0 से कम है तो उस पॉइंट पर चरमान नहीं होगा, न तो मैक्सिमम होगा न वो मिनिमम होगा। फिर हम जैसे दूसरा पॉइंट 1 1 है उसके ऊपर rt - s² निकालेंगे तो वो 36 - 9 यानी इक्वल टू कितना आ गया, 27। देयर फोर rt - s² इक्वल टू 27 क्या, <0। और ऐसे क्या है कि उसके ऊपर जो r जो है ना, r का मान निकालेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ गया, 6 आ गया, तो ये 6 जो है वो क्या, <0। तो हम जानते हैं कि अगर rt - s² है ना वो क्या हो, <0 हो और r है वो भी <0 हो, तो उस स्थिति में जो फलन जो u है वो क्या होगा, निम्निष्ट यानी मिनिमम होगा, और उसका जो मिनिमम जो वैल्यू है, निम्निष्ट जो मान है वो हो जाएगा u इक्वल टू जो दे रखा है ना x³ + y³ - x² में आप 1 1 रखिए तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 1 + 1 - 3 यानी कितना आ गया, -1, ये इसका मान आ गया। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन से और समझते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर u इक्वल टू क्या दे रखा है, ax³ - x⁴y² - x³y³। तो यहाँ पर ये u इक्वल टू दे रखा है अपने को, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हम del u/dx करेंगे तो ये क्या आएगा, 3ax² y² - 4xy² - 3x² y³, एक नंबर। दूसरा पर del u/dy निकालेंगे तो ये आ गया 2ax y - 2x⁴y - 3x² y², इसको सेकेंड नंबर कहा है। अब वो कंडीशन लगाएंगे कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए यानी फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, del u/dx और del u/dy के होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 को है ना हमने ये लिख के उसको क्या किया, 0। इसमें आप देख रहे हैं कि ये x² y² क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 3a - 4x - 3y = 0। उसके बाद में समीकरण नंबर जो 2 है उसको भी हमने क्या किया, यहाँ पर 0 किया, तो यहाँ पर x²y तो कॉमन आ गया, उसके बाद में 2a - 2x - 3y = क्या है, ये 0। तो अब हम समीकरण 3 व 4 को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है ना हमने जैसे मान लो ये और ये यहाँ पर ये ना इनको और इनको है ना हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो इनको हमने क्या, देखो यहाँ पर इनका निशान चेंज किया तो ये 3y 3y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया a - 2x = 0 या 2x = a, तो x = क्या आ गया, a/2 आ गया। ये जो मान जो है वो समीकरण 4 में हम रखेंगे तो वहाँ पर क्या है कि 2a - 2 (a/2) - 3y = 0 इम्प्लाइज यहाँ पर ये क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पर
ये आ गया टू जो है ना, टू टू कट गया तो टू ए से ए, तो ये क्या आ गया ए माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज यहाँ पर आ गया थ्री वाई इक्वल टू ए, तो इससे वाई इक्वल टू ए बाई थ्री आ गया। इस प्रकार से हमारे पास में जो पॉइंट्स जो हैं वो क्या आ गए, ए बाई टू और ए बाई थ्री ये आ गए। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण एक और जो दो है ना उनको पुनः हम क्या करते हैं कि वो एक्स वाई के सापेक्ष आंसर से अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या होता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो वो आ जाएगा सिक्स ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई क्यूब। अब इस आर की वैल्यू जो है ना वो आप ए बाई टू ए बाई थ्री के ऊपर निकालिए, तो हमने सिक्स इंटू ए बाई टू फिर ए स्क्वायर बाई नाइन माइनस 12 या इनके मान रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई फोर, ये ए स्क्वायर बाई नाइन माइनस सिक्स इंटू ये ए बाई टू, और ये कितना हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 27। इम्प्लाइज तो आर इक्वल टू जो है वो यहाँ पर क्या निकलेगा, ये ए की पावर 4/3, ये आगे वाला माइनस का ए की पावर 4/3 माइनस ए की पावर 4/9। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास है माइनस ए की पावर 4/9 जो बचा वो क्या है, लेस देन जीरो है। फिर पुनः एस इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, तो ये क्या आ जाएगा सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस उसके बाद में 8x³ माइनस 9x²y², उसके बाद में फिर आप इस s का मान भी है ना a बाई टू और a बाई थ्री के ऊपर निकालिए, तो हमने ये वैल्यू रख दी इसमें, ये 6 है ये ए स्क्वायर अपॉन 4 ये a बाई थ्री माइनस 8 इंटू ये ए क्यूब अपॉन 8 इंटू ए बाई थ्री माइनस का 9 ये ए स्क्वायर बाई 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 9। इनको जब आपने सॉल्व किया कुछ तो कैंसिल हो गए, तो ए की पावर 4/2 आ गया, माइनस का इसको सोल्व करोगे तो ए की पावर 4/3 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ए की पावर 4/4 आ जाएगा इक्वल टू, या एलसीएम लिया 12 है तो 6 ए की पावर 4 माइनस 4 ए की पावर 4 माइनस 3 ए की पावर 4, फिर इसको सोल्व किया तो माइनस ऊपर कितना बचा, माइनस ए की पावर 4/12 बचा। फिर हमने टी इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए एक्स क्यू माइनस 2x⁴ माइनस 6x³। फिर आप इस टी का मान ए बाई टू और ए बाई थ्री के ऊपर निकालेंगे, तो ये 2 इंटू ए क्यूब बाई 8 माइनस 2 इंटू ए की पावर 4/16 माइनस 6 इंटू ए क्यूब अपॉन 8 इंटू ए बाई थ्री इक्वल टू, इसको सोल्व किया तो ए की पावर 4/4 माइनस ए की पावर 4/8 माइनस ए की पावर 4/4, ये आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचे माइनस ए की पावर 4/8। तो इस प्रकार से अब हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर किया, तो देखो ये है ना, ये आर का मान है, ये टी का है और ये किसका, एस का। इनको हमने अब सोल्व किया, ये दोनों आपस में कितने हो गए, ए की पावर 8/72 माइनस ये कितना हो गया ए की पावर 8/144 इक्वल टू, यह हमने एलसीएम लिया 1/144 लिया, तो ये 2 ए की पावर 8 माइनस ए की पावर 8, तो कितना बचा ए की पावर 8/144 यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ए की पावर 8/144 ग्रेटर देन 0 है, और आर जो है वो क्या है, लेस देन 0 है यहाँ पर, क्योंकि हमने ये आर का मान निकाला है ना। तो इस स्थिति में जो फ्रन यू जो है वो क्या है, यहाँ पर उच्चिष्ट है यानी मैक्सिमम है, और इसका जो मान है वो कितना आएगा, तो अब यू इक्वल टू ये ना ए एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4y² माइनस x³ है ना, इसके अंदर आप ए बाई टू और ए बाई थ्री रखिए, तो हमने जब ये रखे हैं ना, तो आपने ये इंटू ए क्यू अपॉन 8 ए स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ए की पावर 4/16 ए स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ए क्यूब अपॉन 8 इंटू ए क्यूब अपॉन 27 इक्वल टू, इसको सोल्व किया ए की पावर 6/72 माइनस ए की पावर 6/144 माइनस ए की पावर 6/ जैसे 216, या इनका हमने एलसीएम लिया तो ये आया 432, तो ये आ गया 6 इंटू ए की पावर 6 माइनस 3 इंटू ए की पावर 6 माइनस 2 इंटू ए की पावर 6 है ना, ये आ गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो आ गया ए की पावर 6/432। तो इस प्रकार से इसका जो मान है ना उस बिंदु के ऊपर ये आ गया। तो इस प्रकार से हमने मैक्सिमम और मिनिमम क्या होते हैं, इनको हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये समझा है। धन्यवाद।